हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जैसे मैं आपको बताया था कि मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, 1 मिनट में एक कंसेप्ट, 1 मिनट 1 कंसेप्ट। इस एक नई पीढ़ी के साथ, मतलब इस एक नई सोच के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ इस कंसेप्ट की। क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 इससे पहले हो चुकी है। आज हम देखेंगे आपका ये वाला प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आता है, निम्न में से कौन सा वाला पासा बनाया जा सकता है या कौन सा वाला नहीं बना सकते, ये बताना है आपको। कौन सा बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते हैं। अब देखिएगा, जब भी आपके सामने इस टाइप से खुला हुआ पासा आए, ओपन वाला डाइस आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आपको देखना है कि कौन किसके अपोजिट है। तो अपोजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमने लिया ए, ए लिया, ए के विपरीत क्या होगा? उसका एक छोड़ के एक, मतलब डी। सेम ऐसे ही बी के विपरीत क्या होगा? ई, बी के विपरीत ई हो गया। अब बचा के आपका सी, सी के विपरीत क्या हो जाएगा? जो आपका ये है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसके विपरीत हो जाएगा। अब सबसे पहले जब भी आपके सामने खुला हुआ पासा आएगा, सबसे पहले आप यही काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप है ये आपका। अगला स्टेप क्या करना है आपको, ये चेक करना। दूसरी चीज आपको चेक क्या करनी है, यहाँ पे क्या है, ये तीन चीजें हैं, एक आपका फेस ये है, दूसरा फेस ये मान लिया, तीसरा फेस ये है। जो ये तीनों फेस है वो कहाँ पे हैं? अलग अलग लाइन पे आना चाहिए। कैसे? से बी ई और ये वाला बी इधर है, ई ये रहा। देखो ये दोनों क्या है, एक सेम लाइन में आ रहा है, इसी लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया, ये नहीं बनेगा। डी ई और ये, डी ये रहा, ई ये रहा और ये रहा, मतलब ये तीनों कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों अलग अलग लाइन पे है। डी पहली लाइन पे है, ई उसके बाद वाली लाइन पे है, और ये वाला सबसे आखिरी लाइन के अंदर है। तो ये वाला बन सकता है, पक्का नहीं है पर बन सकता है, दूसरी वाली लॉजिक के अकॉर्डिंग। ए सी और ये रहा, सी ये रहा, ये रहा, पर ये दोनों क्या है, एक से सिमिलर लाइन में है, इधर भी, ठीक है, ये वाला नहीं बन पाएगा। ए ई और ये वाला, ए धरा, ई धरा और ये रहा, मतलब ये भी बन सकता है। 1 2 3, ये तीनों क्या है, अलग लाइन पे, ए पहली लाइन पे, ई दूसरी पे है और ये वाला तीसरी लाइन पे है। मतलब यहां से हम क्या समझे कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। पहला स्टेप था अपोजिट देखना, दूसरा स्टेप था हमको चेक करना कि ये तीनों फेस है वो यहाँ पे अलग लाइन पे आने चाहिए। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या चेक करना, सब कुछ सही है, चेक ये करना जो यहाँ पे डिवीजन हुआ है क्या वो सही हुआ है। जैसे कि 1 के अगल बगल क्या है, 2 और 4, 1 के अगल बगल 2 और 4 है, 1 के अगल बगल 2 और 4 है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 के अगल बगल 1 और 3 अपोजिट है, 1 और 3 अपोजिट है, 2 और 4 अपोजिट है, 1 3 2 और 4। उसके बाद क्या है, ए के बगल में 1 है, यहां देखिए ए के बगल में नहीं, डी के बगल में 3 है, डी और 3 बिल्कुल सही है, ई और 2, ई और 2 बिल्कुल सही है, ए के बगल में 1 है, ई के बगल में 2 है, ये भी सही है, मतलब सब कुछ सही है। ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये भी बिल्कुल सही है, 1 3 1 3, 2 4 2 4, ए के बगल में 1 है, ई के बगल में 2 है, डी के बगल में 3, ये भी बिल्कुल सही है। अब हमारा स्टेप क्या बनेगा, फोर्थ स्टेप जो हमें चेक करना है कि कैसे है, 1 2 3 4 कैसे क्लॉकवाइज दिशा में है, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 ये क्या है, क्लॉकवाइज में है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहां गड़बड़ हो गई। देखो 1 2 3 4 क्या चल रहे हैं, हम लोग घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। अगर इसको बंद करेंगे ऐसे बनेगा आपका, अगर इसको बंद करते हैं तो ये ऐसे बनेगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, ये 4 आएगा। 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में है, ये यहाँ पे भी घड़ी की दिशा में है, 1 2 3 4 घड़ी दिशा में है, पर यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा में है, 1 2 3 4, ये गलत हुआ, ये वाला सही हुआ। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार का सवाल कैसे करते हैं। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं, पहले चेक करना है आपको, इसको ओपन को क्लोज में चेंज करना है, मतलब इसको विपरीत में लिखना है। फिर आपको चेक करना है जो तीनों सरफेस है वो अलग अलग लाइन पर होनी चाहिए, ये चेक कर लिया। उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या चेक करना है कि ए के बगल में 1 होना चाहिए, ई के बगल में 2, डी के बगल में 3, बी के बगल में 4। अगर ये भी है फिर क्या चेक करेंगे, 1 और 3 अपोजिट में होने चाहिए, 4 और 2 अपोजिट में होने चाहिए, ये भी हो गया। उसके बाद क्या चेक करेंगे कि ये घड़ी की दिशा में, मतलब 1 2 3 4 रोटेशन क्या है इनका। अगर ये आप 4 स्टेप फॉलो करते हो तो आप कोई भी प्रश्न निकाल सकते हो ओपन डाइस का। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे हम लोग ओपन डाइस का कंसेप्ट को देखते हैं। ये सबसे टिपिकल सवालों में से एक है, ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो कि आपको सेशन पसंद आ रहे हैं इस प्रकार से, तो हम ऐसे मैथ्स के भी लेके आएंगे और रीजनिंग के भी लेके आ ही रहे हैं,
और आपके इंग्लिश के भी लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो इस सभी को शेयर कीजिएगा जितना ना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, आप ऐसी वीडियो लेके आए ये बोलिएगा, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, इसको यहीं पे ऑफ करते हैं, कल वापस से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।